हाय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एंजल्स को लेटर कैसे लिखें। अब इस लेटर से कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको, सबसे पहला बेनिफिट्स, आपकी कोई भी विश ज़रूर पूरी होगी। दूसरा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वो तुरंत रिलीज़ होगी। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स कि अगर आपको पता ही नहीं है कि एंजल से कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे इन्हें बुलाना है अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए, किस तरह से इनसे जुड़ना है, किस तरह से इनसे हेल्प मांगनी है, तो अगर आप चाहते हैं इनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करना तो आपको इसमें भी बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी, बहुत जल्दी आप इनसे कनेक्ट हो पाएंगे अगर आपने एंजल को लेटर लिखा तो। अब आगे वीडियो में जानेंगे किस तरह से लिखना है, बट आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको एंजल को लेटर कैसे लिखना होता है? अगर अभी तक आपको यही पता नहीं था कि एंजल को लेटर भी लिखा जाता है तो जी हाँ, एंजल को लेटर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से, या अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप एंजल के लिए लेटर तैयार करते हैं। आज के डेट में तो फ़ोन हो गया है इसलिए लोग लेटर लिखना भूल गए हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि चाहे कोई पर्सन हो या दिव्य शक्ति हो, अगर आप कोई चीज़ लिख के उन्हें बताते हैं ना तो वो आपसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। चाहे कोई इंसान हो, अगर आपने एक पेपर लिया और उसके ऊपर अपने दिल की कोई भी इच्छा है, कोई भी बात है, उसे लिख के और उन्हें बताया तो उन्हें पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आता है। इसलिए ये सबसे पावरफुल तरीका है किसी भी चीज़ को समझाने का या अपनी इच्छाओं को पूरी करने का या किसी के साथ अपना कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। तो आज हम किसके साथ कनेक्ट होने वाले हैं? एंजल्स के साथ, यानी दिव्य शक्ति के साथ। आप उन्हें जिस नाम से बुलाते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई एंजल ही कहता है, क्योंकि एंजल का मतलब होता है वो दिव्य शक्ति जिसे आप दिल से मानते हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन फील करते हैं। वो लॉर्ड गणेशा हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, वाहेगुरु हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं। तो जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं वही हैं आपके एंजल, और उन्हीं के पास आपको लेटर लिखना है। अब लेटर लिखने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक प्लेन पेपर। प्लेन है तो ज़्यादा बेटर है, प्लेन नहीं है, लाइन वाली कॉपी है तो उसी का एक पन्ना ले लेना है आपको, और ले लेना है एक रेड पेन, ध्यान रखिएगा रेड पेन लेना है। अब आप कहीं आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कहीं भी लिखने लगे, ऐसे जगह पर बैठिए जहां आपको कंफर्टेबल फील हो और उसके बाद इस लेटर को लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है डियर एंजल, डियर माँ दुर्गा या डियर गणेशा, आप जिसका नाम चाहे लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप किसी का नाम नहीं लिख सकते, एंजल ही लिखना है, बिल्कुल नहीं। जो नाम लिखना है लिखिए, बस ये मान के लिखिए कि आप उसी शक्ति के पास ये लेटर लिख रहे हैं। तो आपने लिखा डियर एंजल या जो भी आप नाम लिख रहे हैं, या प्रिय देवदूत, आप जो भी लिख रहे हैं। इतना लिखने के बाद आपको वो सब कुछ लिखना है जो आपको चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हैं तो सारी बुराइयों के बारे में लिखेंगे जो आप अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं, सब कुछ लिख देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। जो जो आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें हैं, बुरा समय है, बुरे लोग हैं, उनके बारे में जैसे आप चाहे लिख सकते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं। देन आपको एंड में थैंक यू लिखना है, और लिखने के बाद आप चाहे तो अपने पूजा रूम में रखें जहां आप भगवान जी लोगों को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप चाहे तो इसे उसी रात जला के और इसका राख हवा में उड़ा सकते हैं। अब मैं किन लोगों को बोल रही हूँ कि आप चाहें तो जला के और उसी टाइम इसे
उड़ा सकते हैं फूंक मार के, और फील करना है कि मेरी लाइफ से नेगेटिविटी पूरी तरह से रिलीज हो गई है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग नहीं चाहते कि वो जो भी अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिसे भी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में कोई और पर्सन जान ले, किसी भी तरह से पढ़ ले। तो आप इसे डेली जलाया करो। आप क्या लेटर डेली लिखोगे? जी हाँ, आप डेली लिखा करो, डेली जलाया करो। आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। कितने दिनों तक करना है? सिर्फ 7 दिन करके देखिए, आपको ज़रूर दिखेगा कोई ना कोई पॉजिटिव साइन। सेकेंड में आते हैं वो लोग जो अपनी किसी भी विश को पूरी करना चाहते हैं। सेम आपको शुरू में वैसे ही लिखना है, डियर एंजल या प्रिय एंजल, प्रिय माता रानी, जो भी लिखना है लिखिए। और उसके बाद आपको अपनी विश लिखनी है। अगर बहुत सारे पैसे चाहिए तो बोलिए आपको कितने पैसे चाहिए, आप उन पैसों का क्या क्या करना चाहते हैं, सब कुछ डिटेल में लिखिए। और लास्ट में लिखिए थैंक यू एंजल, फोल्ड करके चाहे तो पूजा रूम में रखिए, चाहे तो आप डेली इसे जला दिया कीजिए और इसका राख हवा में उड़ा दीजिए। ये तरीका है अपने विश को इंस्टेंट फुलफिल करने का। तीसरे, वो लोग जो पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं जैसे चाहते हैं उनसे जुड़ना, उसे लिखिए कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं आपसे साइन चाहता हूँ कि आप मेरे आसपास हैं कि नहीं, जो भी आपको डिटेल में लिखना है, लेकिन ऐसा फील हो कि आपने लेटर लिखा है। लिखने के बाद लास्ट में आपको थैंक यू एंजल्स लिखना है। चाहे तो आप फोल्ड करके इसे अपने पूजा रूम में रखें, चाहे तो आप इसे डेली जला दिया करें और इसके राख को भी उड़ा दिया करें, ये सोच के कि दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट हो चुकी हैं, आपको डेली किसी ना किसी तरह से गाइड कर रही हैं। यकीन मानिए, ज़िंदगी ना बदल गई तो कहिएगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीका है अपनी किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में देखने के लिए। अगर आप महिला हैं, पीरियड का कोई इश्यू ही नहीं है, आप इस क्रिया को कर सकती हैं। अगर आप किसी भी जेंडर से हैं, आप इसे कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। किसी भी उम्र के हैं तो भी आप इस तरीके से अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अपनी किसी भी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं और दिव्य शक्तियों से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिले और आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए। और इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं तो जाके चेक कीजिए। एंड मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।